आपकी घड़ियां होती हैं अगर गड़बड़ तो जिंदगी में आ जाती हैं बहुत सारी मुश्किलें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आपकी अपनी ही ज्योतिषी। बहुत स्वागत करती हूं आपका और परमात्मा से हमेशा विनती करती हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, जो मुझ में ट्रस्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी खुशनुमा बनाए। वैसे तो मैं संपूर्ण विश्व की सुख की कामना करती हूँ, लेकिन जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी उनके प्रति बढ़ जाती है और मैं हमेशा उनके लिए दुआ और शुभाशीष प्रेषित करती रहती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा ज्योतिषीय परामर्श देने के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन इसका जो तरीका है उसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क करें, जिससे कि पूरा प्रोसीजर आप जान सकें। मित्रों, जिनकी कुंडली नहीं है वो भी मुझसे परामर्श ले सकते हैं अपनी फ़ोटो के द्वारा, या अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनमें आप कुछ चेंजेस चाहते हैं पॉजिटिव, तो उनकी आप हीलिंग भी करवा सकते हैं। तो तुरंत संपर्क कीजिए मित्रों और बिना देरी किए ही अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आज का वीडियो बहुत खास है। आज मैं बता रही हूँ, घड़ियाँ भी बदलती हैं किस्मत। जी हाँ, घड़ियाँ बहुत महत्व रखती हैं। पुराने समय में जो घड़ियाँ होती थी वो एक्चुअली गतिमान रहती थी, जिसमें घंटे चलते रहते थे। गतिशीलता जीवन का क्रम है, जब गतिशीलता समाप्त हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है, और जीवन का अनवरत जो चलायमान क्रम है वो हमें बताती है घड़ी। घड़ी मतलब समय, और समय बहुत बलवान होता है। समय की महत्ता पर बहुत कुछ कहा गया है प्राचीन ग्रंथों में, और आज भी एक मिनट लेट हो जाएं या एक मिनट जल्दी चले जाएं तो इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। जल्दी चले जाएँ तो इतनी बात नहीं है, लेकिन अगर लेट हो जाएँ तो बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है। कई बार ट्रेन छूट जाती है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो समय का बहुत महत्व है, और जब आपकी घड़ी गलत होती है तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जितनी भी बंद घड़ियां हैं घर से तुरंत हटा दीजिए, चाहे कितनी महंगी से महंगी क्यों ना हो, कितनी प्यारी से प्यारी क्यों ना हो, गिफ्ट में आई हुई हो ना, कैसी भी हो, सुंदर हो, लेकिन वो घड़ी किसी काम की नहीं है जो घड़ी चल नहीं रही है, बंद है, तो तुरंत उस घड़ी को फेंक डालिए तुरंत। दूसरी चीज़ ये है कि घड़ियाँ अगर आप लेकर आते हैं तो उन घड़ियों में अगर भगवान के चित्र बने हुए हैं तो उसको ऐसी जगह पर ना लगाएं जहाँ पर चप्पल जूते आते हों, जहाँ लोग थूक थाक करते हों, समझ गए ना। तो घड़ी हमेशा पवित्र जगह पर लगाइए अगर आप भगवान के चित्र वाली घड़ी लेकर आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी घड़ी में टाइम गड़बड़ है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कई लोग घड़ी कि ऐसे ही किसी को परेशान करने के लिए पीछे कर देते हैं, आगे कर देते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। घड़ी अगर आपने आगे कर रखी है तो वो फिर भी ठीक है, क्योंकि उससे लेट नहीं होते, जहाँ भी आपको जाना है आप समय पर पहुँच जाते हैं, समय से पूर्व पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर घड़ी पीछे चल रही है तो ये आपके पिछड़ेपन का द्योतक है। आपको ज़िंदगी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए घड़ी का जो समय है हमेशा चेक करते रहें, और आपकी घड़ी का जो समय है हमेशा सही रहना चाहिए। इसके अलावा सोते समय घड़ी को सिरहाने पर नहीं रखना चाहिए। घड़ी को दाएं बाएं कहीं भी आप रख सकते हैं, किसी स्टूल पर, टेबल पर, लेकिन सिरहाने आपको घड़ी नहीं रखनी चाहिए। चलते समय जो घड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है वो घड़ी भी शुभ नहीं होती है। तो इस तरह से शुभ से मतलब है कि वो घड़ी चंद्रमा को पीड़ित करती है कहीं ना कहीं, तो आप ऐसी घड़ियों को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक यूज़ करें, या फिर दूसरी घड़ी ले आएँ, नई घड़ी ले आएँ। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।